नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पेट्रोलियम उत्पादन को लेकर। बिहार में पहले सोने के खान की खुदाई को लेकर अपडेट सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि देश का 40% सोना बिहार में स्थित है। हालांकि अभी तक बिहार में इस सोने के खान की खुदाई की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अब सरकार की तरफ से इसको लेकर अनुमति जारी कर दी गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। बिहार में सोने के बाद से अब पेट्रोलियम के खनन की शुरुआत होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार के समस्तीपुर और बक्सर जिले में गंगा के किनारे तेल होने की बात कही गई है, जिसके बाद से इसमें खनन को लेकर अब बात शुरू हो गई है। बता दें कि पेट्रोलियम लाइसेंस PEL ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि इस कंपनी को इसके तहत जो है खनन का काम दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बम्हारा ने बताया है कि ONGC लिमिटेड ने तेल की खान एवं उत्पादन के लिए GBONHP 2021/1 यानी कि समस्तीपुर और GBONHP 2021/2 बक्सर के लिए ओपन एरिया लाइसेंस पॉलिसी के तहत PEL प्रदान किए जाने के लिए आवेदन किया है। यानी कि खनन को लेकर जो है ONGC कंपनी ने आवेदन दिया है बिहार सरकार के सामने। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में और गंगा बेसिन में बक्सर में 52.13 वर्ग किलोमीटर में तेल भंडार होने का आकलन करने के लिए खोज की प्रक्रिया शुरू के लिए जल्द ही इसको जो है प्रक्रिया में लाने की बात कही गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग ने दोनों जिले के प्रशासनिक प्रमुखों को पहले ही जानकारी करा दिया है। इसके लिए बहुत ही जल्द खोज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि तेल में जो है खनन की प्रक्रिया कि कहां पे खनन है और इसमें जो है क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ONGC ने कागजी तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर ONGC ने बिहार के दोनों हिस्सों में कार्य शुरू करने के लिए कागजी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। बता दें कि PEL ने इस पूरे इलाके के लिए नक्शे और सूची की प्रतियों के साथ आवेदन शुल्क का भुगतान भी शुरू कर दिया है। इसमें खान एवं भू विज्ञान विभाग को दिए अनुरोध पत्र में कहा है कि क्षेत्र के लिए एक PEL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5(1) के प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। PEL भी एक अभिष्ट यानी कि इसको जो है पूरी प्रक्रिया के लिए जो है 4 वर्ष का समय दिया गया है। बिहार में पेट्रोलियम खोज को लेकर बोलते हुए विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले चरण में नवीनीकृत भूकंपीय डाटा रिकॉर्डिंग प्रणाली के उपयोग करके 2D भूकंपीय सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद उन्नयन तकनीक का उपयोग करके भू रासायनिक सर्वेक्षण शुरू होगा। सर्वेक्षणों को आने वाले दिनों में गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय और मैग्नेटो टेल्यूरिक सर्वेक्षणों के जरिए इसको जो है पूरा किया जाएगा। यानी कि अभी वर्तमान में जो है पेट्रोलियम को लेकर 2 चरण से हमें गुजरना होगा, जिसके बाद यह पता चल पाएगा कि पेट्रोलियम की क्या स्थिति है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण से उत्पन्न डेटा का अध्ययन या फिर व्याख्या उच्च तकनीक वाले वर्क स्टेशन पर परिष्कृत सॉफ्टवेयर के साथ किया जाएगा, ताकि इन इलाकों में संभावित क्षेत्र का पता लगाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी राज्य के कुछ हिस्सों में तेल भंडार की खोज की गई थी, लेकिन कोई व्यावसायिक खोज नहीं हुई थी। हालांकि इसने आगे के खोज के लिए मूल्यवान भूवैज्ञानिक जानकारी एकत्र करने में मदद की थी। तो एक तरह से कहने कि बिहार में भी अब जो है पेट्रोलियम के उत्पादन को लेकर जो है सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, खोज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ONGC को जो है इसके लिए काम दिया गया है। समस्तीपुर और बक्सर के 2 इलाके हैं जहां पे पेट्रोलियम के उत्पादन को लेकर जो है सर्वेक्षण का काम शुरू किया जाएगा। इससे पहले बिहार में अगर हम कह लें तो सोने की खान की बात सामने आई थी, जिसके बाद से फिल्म KGF 2 का जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि जिस तरह से फिल्म KGF 2 में सोने की खान की बात कही गई है, ठीक उसी तरह बिहार में भी जो है सोने का खान है। इतना ही नहीं, अगर हम भारत सरकार के अगर हम डाटा की बात करें तो खान मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में जो सोना है उसका 40% हिस्सा बिहार में इस खान के पास है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सोने का एक बड़ा हिस्सा जो है बिहार के पास है, और अब जो है पेट्रोलियम की बात कही जा रही है। तो ऐसे में अब देखना है कि पेट्रोलियम को लेकर एक नया अपडेट क्या कुछ आता है, इस पर हमारी आगे की नज़र जो है वो बनी रहेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।